अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक खूनी होती ना। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष अकादमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यदा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आजादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस थमैया मानेकशॉ उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची, फिर भी लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बड़ी कर दिया। 1962 में भारत चीनी युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉलर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। दो साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यदा जो अब एक जनरल है को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यदा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम, जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी
झड़पें हुई और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशा को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्भ से सेवानिवृत्त हो गए। Oh, sexy!
हेलो एवरीवन। नहीं यार, मतलब बाय द टाइम मैं होटल पहुंची तो सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया था और गांधी नगर का आसपास मुझे इतना पता नहीं है। सो हाँ, कल तो नहीं मिला बट और आज इसमें फिट होना था तो आज तो मैंने ऊंधियो, अभी जाके फिर कोशिश करूंगी मिलता है कि नहीं। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। ओके थैंक यू। सेल्फी कहाँ से सेल्फी? सेल्फी
बरो बरो I'm coming. I just went behind. No, it's not my first time. Okay, you've come before? Yes, बहुत सालों से पहले. Yeah. बहुत साल पहले. जी, एक event के लिए. कुछ I think वो कुछ वो festive जो होता है ना. शायद वो ही था. शायद हाँ. But पहले तो मुझे ये बोलना है ना कि came to Majama. Yes. The feeling is great. I got a little bit late, so I'm a little bit sad that I've missed few performances because I love to see, you know, dance performances on stage. मुझे बहुत पसंद है. So, but ठीक है, कुछ रह गए ना? Yeah, I'll do that. Yeah, thank you so much. मैं लेता हूँ।
किया बस बस वेरी नाइस
विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह हजाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ और भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष अकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यदा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस थमैया मानेकशॉ उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची, फिर भी लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बड़ी कर दिया। 1962 में भारत चीनी युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉलर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। दो साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यदा जो अब एक जनरल है को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यदा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम, जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी
झड़पें हुई और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशा को सेवानिवृत्त करीवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्भ से सेवानिवृत्त हो गए। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष अकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशा को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशा से उनके सहयोगी मेजर यद्दा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशा और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशा, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस तमैया मानेकशा उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉलर ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशा के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची, फिर भी लेकिन मानेकशा को उसके वरिष्ठों ने बरी कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉलर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशा को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशा के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशा को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशा ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यद्दा, जो अब एक जनरल है, को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशा को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यद्दा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम
जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पे हुए और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशॉ को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यद्दा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस थमैया मानेकशॉ उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची फिर भी, लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बड़ी कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉला ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यद्दा, जो अब एक जनरल है, को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले
COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की, हालांकि यद्दा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पें हुए और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशॉ को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यद्दा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस थमैया मानेकशॉ उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची, फिर भी लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बरी कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉला ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यद्दा जो अब एक जनरल है को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यद्दा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पें हुई और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशॉ को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए। अनिरुद्ध, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, कैसा जा रहा है आपका ऑन ईयर शो सीखो? काफी लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको टीवी में भी बहुत सारे पहले जो सीरीज थे लॉकडाउन के पहले, अभी काफी चेंजेस आ रही है, तो अब आपको क्या चेंजेस नजर आता है, पहले इस पे बात करते हैं। ऐसी आपके लाइफ में क्या ऐसी चेंजेस आई है और फिर ये शो अभी आप कर रहे हैं, तो आपके जो फैन है, ऑडियंस ने ग्रैब भी किया है आपने, काफी लोग इंस्पायर होते हैं, आपका प्रोफाइल भी हमने देखा है जी। तो हाउ योर फीलिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस, हाउ यू? देखिए, जहाँ तक आप एक अनुभव की, एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि हम लोग बचपन से ना घर में एक कैलेंडर लगा करते थे, तो उस पर लिखा रहता था गीता सार, जिस पर लिखा रहता था कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो वो जो एक बात है ना, वो हर जगह मुझे लगता है कि है, चाहे आपका जीवन हो, मेरा जीवन हो, किसी का भी हो, तो परिवर्तन जो है रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे, फिर चाहे वो क्लाइमेटिकल कंडीशंस में हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, हर तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। बदलाव जो होता है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो मैं भी खुश हूँ। करियर वाइज भी चीज़ें एक कदम आगे बढ़ी हैं, पड़ाव अगला लिया है। हालांकि मैं शुरू से कहता हूँ कि हमारा छोटा पर्दा जो है टेलीविज़न, वो कभी किसी भी तरीके से बड़े पर्दे से कम नहीं है। और अब तो पूरी दुनिया जो है वो 7 इंच 8 इंच का जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर संकुचित हो गई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे वापस से बड़े पर्दे की तरफ बढ़ने के लिए इस साल बढ़ गया हूँ। शूटिंग चालू हो गई है एंड आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग विद सच अ नाइस टीम, अ गुड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। सो चंदू चैम्पियन इस साल रिलीज होगी एंड आई एम सो थैंकफुल टू कबीर खान सर एंड साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन दैट दे चोज मी फॉर दिस रोल। सर मैं साइलेंट कर देता हूँ। बड़े पर्दे पे आना इस मतलब एक कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा कॉन्फिडेंस डर लगता है, या अगर मतलब एक होता है ना कोई गाइड करने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, तो ये प्रोसेस में आपका मदद जो एक बोलते हैं ना कि हेल्प किसने किया है, क्योंकि हम आपको जिस तरीके से पहले देखते हैं और डीडी नेशनल पे जो आपका शो आ रहा है उसमें भी देखते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है,
लेकिन जो चंदू चैंपियन जो आपका शो मतलब अभी जो मूवी आप करने वाले हैं तो उसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस और गाइडेंस किस तरीके का आपको मतलब किसने दिया, सपोर्टिव किसने किया, ये बताइए। देखिए मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए ना उसका खुद का कॉन्फिडेंट होना, उसका खुद का जो हम आत्मविश्वास की बात करते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हर फील्ड में हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक एक्टर का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो कर रहा है वो इस वक्त जैसे कि अभी है हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हम लोग यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, मेरे सामने सिर्फ एक ही कैमरा और आप हैं, लेकिन इसको देखने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं और उन लाखों लोगों को आपको आँकना है। जैसे इस वक्त लोग मुझे शायद देख के कुछ आँक रहे होंगे, है ना, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो खुद से बिल्ड करना पड़ता है मुझे लगता है। और जब वो आत्मविश्वास आपको आ जाता है, मिल जाता है कि हाँ भाई मेरे कंधे पे इतना बड़ा भार है, एक डायरेक्टर ने मुझे इस किरदार के लिए चुना है, तो मैं उसके साथ जस्टिफिकेशन करूँ, मैं उस किरदार के लिए ऐसा लगूँ कि हाँ यार ये इससे अच्छा शायद कोई नहीं कर सकता था। और यही सब तमाम चीज़ें होती हैं जो एक एक्टर को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती हैं। बट हाँ, अच्छी स्क्रिप्ट होती है और जब अच्छा डायरेक्टर आपके पास होता है तो डायरेक्टर जिस दिशा में आपको एक दिशा दे देता है उस तरफ आप बढ़ जाते हैं। सुर अलग अलग हैं हारमोनियम पे, जो आपने एक राइट सुर पकड़ लिया उस कॉर्ड को आपने प्ले कर दिया तो आप सही जगह जाने लगते हैं, और जब आप सही जगह जाने लगते हैं आधे रास्ते में भी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वैसा ही मुझे लगता है कि एक एक्टर की जर्नी में भी होता है। सर आपने जो परिवर्तन का बात की जी बातें बताई है, तो जैसे हम टीवी इंडस्ट्री में भी देखें, पहले टीवी से फिर बॉलीवुड फिर सिनेमा फिर अभी हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ चुके, इतने सारे जॉनर्स इतने कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या देखें और क्या नहीं देखें। तो आपको ये चेंजेस कैसा लगता है, क्योंकि ऑन द गो आजकल लोग देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अपना प्रीमियम करके देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कैसी लगती है? क्योंकि जो टीवी एक्ट्रेस है एक तरीके से उनके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं, और ओटीटी आ गए तो उनके लिए काफ़ी जो एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं वो काफ़ी वर्क कर रहे हैं उसमें, तो एक्टर्स के लिए भी काफ़ी डिफिकल्टीज हो जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से इतने लोग, इतना स्कोप, इतना सब वाइड रेंज में फैला हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि जो आपने एक ओटीटी सिनेमा और इसकी बात की है, ये बहुत सारे लोग कहते होंगे और मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में ये बात कहता हूँ कि जब मुंबई में कोई भी कलाकार आता है, कोई भी एक नया लड़का लड़की हीरो हीरोइन बनने अपने सपने लेके अपने गांव से शहर से आता है तो स से सीने में सिनेमा ही होता है, वो सब लोग बोलते हैं और बड़ी पेटेंट लाइन है कि स से सीने में सिनेमा है। तो सीने में जो सिनेमा है वो तो रहता है, अब ट से टिकने के लिए मैंने टीवी कर लिया और व से वक्त है वेब का। तो ये एक दौर मुझे लगता है कि देखा जाए तो कलाकारों के लिए बहुत ऑप्शंस बढ़ गए हैं, पहले आप सिर्फ एक टीवी तक ही सीमित थे, आपको था कि या तो टीवी करेंगे या फिर फिल्म करेंगे, अब ओटीटी इतने सारे प्लेटफॉर्म चीज़ें आ गई। जैसे मैंने कहा कि आप ये समझिए कि पूरा जो एंटरटेनमेंट है वो सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन तक रह गया, आज आप देखिए इतनी सुविधा है इंटरनेट के चलते देश में, हमारे देश में भारत में जितना 5G यूज़ होता है मुझे लगता है कहीं और नहीं होता होगा, है ना। तो चलते कम्यूट करते बात करते, बल्कि मैं तो कहूँगा ड्राइविंग करते भी लोग आजकल ये देखने लगते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, बट आप समझ लीजिए कि दीवानगी किस हद तक है। तो ये तो आप कह रहे हो कि डिसएडवांटेज है एक्ट्रेस के लिए, तो मुझे नहीं लगता, मैं तो कहूँगा कि अगर आपने अच्छी मेहनत की, अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपके लिए तो और एक नए आयाम खुल गए, नए और ऑप्शन खुल गए। पहले तो आपके पास था कि सिर्फ ये दो चीज़ें करेंगे, या तो टेलीविज़न करेंगे या फिल्म करेंगे, मेरे जैसे लोग कुछ थिएटर भी करते रहे क्योंकि हमारी शुरुआत थिएटर से हुई थी। तो अब तो बहुत वास्ट है, ये एक अलग दुनिया है, नाउ इट्स अ बिग अम्ब्रेला ऑल टुगेदर, जहाँ पे आप मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आप उस कैरेक्टर के लिए उतने फिट हों और आप उस कैरेक्टर को, उस रोल को उतने अच्छे से निभा पाएँ, डायरेक्टर आपको पसंद करें। मुझे लगता है कि स्काई इज लिमिट फॉर ऑल द एक्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर कागज टू में भी सतीश सर थे आपके, उनके साथ भी आपका मुलाकात हुआ, तो उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल कैसे है वो उनका नेचर वाइज, क्योंकि आप उन्हें बहुत करीब से जानने का आपको मौका मिला है, तो जी बिल्कुल। देखिए अब हम लोग बात तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब सतीश जी की बात आई है तो वो मेरे मेंटोर रहे हैं हमेशा से, और इस पिछले साल हमने उन्हें खो दिया जो कि एक मेरे लिए बड़ी दुखद बात रही है। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और जब कागज़ टू की हम लोग शूटिंग कर रहे थे, बहुत समय बाद, अरसे बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शूट करने का मौका मिला,
तो एक कैडेट के रोल में मैं और साथ में दर्शन कुमार हम दोनों शूट कर रहे थे, और मैं सतीश जी को बार बार कह रहा था कि सर ये एक सपना होता है, फौजी का रोल बहुत लोग करते हैं, पुलिस वाले का रोल बहुत करते हैं, बट उन्हीं की एकेडमी में रियल कैडेट्स के साथ रियल फौजी, जहाँ से रियल ऑफिसर्स हमारे देश के तैयार होते हैं, उनके बीच में आप शूट कर रहे हैं उनके साथ और उनकी लाइफ को इतने नज़दीक से देख रहे हैं, ये तो जो लोग NDA के या CDS के एग्ज़ाम देते हैं वही लोग सिर्फ देख पाते हैं पास करने के बाद। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे मेंटोर साथ में मिले। हाँ, उनके ना होने से फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई है रिलीज़ होने में, बट इस साल आप मेरी वो फिल्म कागज़ पार्ट 2 वो भी देख पाएंगे और चंदू चैम्पियन भी देख पाएंगे। और रही बात OTT की, तो आजकल बहुत एक अच्छा यूथ बेस्ड शोज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं टेलीविज़न पे, तो उसके लिए भी एक हमारा शो है वेटिंग फॉर समर, उसमें आप मुझे देख पाएंगे। तो ये ऑडियंस का, मेरे बड़ों का, मेरे जो मेंटोर रहे हैं उन लोगों का, अच्छे डायरेक्टर्स का प्यार आशीर्वाद है, आप सब ऑडियंस का प्यार है कि कलाकार को मौका मिल रहा है, उसको अपनी जो कला है वो दिखाने का मौका मिल रहा है। वरना शहर इतना बड़ा है, लोगों के सपने इतने बड़े हैं, कहाँ से चीज़ें सबके लिए हो पाएंगी। एक ही हिस्सा है ना वो रोटी का, उसको थोड़ा सा आप खा लेंगे, थोड़ा सा मैं खा लूँगा, थोड़ा सा बहुत लंबी लाइन है, तो सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। हाँ अनिरुद्ध जी, जो नए कलाकार जो आते हैं मुंबई आते हैं, काफ़ी चीज़ें काफ़ी ड्रीम्स होती है, तो उनको आप क्या ऐसा सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि कोई कहीं भी हम जाए जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, तो कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसा मैसेज जो उन्हें आप देना चाहें तो वो अपने लाइफ में थोड़ी चीज़ को परिवर्तन, जैसे आपने वो कर सके और उनसे पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ के लिए बेहतर और बना सके, या उनको हेल्प हो अपने जर्नी, करियर जर्नी में। मुझे लगता है पेशेंस जो है ना, एक वो एक ऐसी चीज़ है जो हर कलाकार में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि अगर वो ठहराव नहीं रहेगा ना, तो ना तो आप एक्ट कर पाएंगे, अभिनय कर पाएंगे, और ना इस शहर में टिक पाएंगे। वो दोनों चीज़ें हैं। कोई मुझे बोल दे कि इस इंसान में ठहराव नहीं रहा, अगर हम सोचें कि भाई हाँ लोग रातों रात स्टार बनते हैं शहर में, मतलब जो कहते हैं ना कि तकदीर है साहब, मुकद्दर है। देखिए, असफलताएं असीमित हैं, चुनौतियां भी बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन जब आप उनको किस तरीके से हासिल कर रहे हो ये एक बहुत बड़ी बात है। और लोग किस्मत पर छोड़ देते हैं, न्यू कमर्स जितने जो आते हैं, अरे ठीक है डेस्टिनी, ठीक है डेस्टिनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन किस्मत बदले नहीं बदले, वक्त ज़रूर बदलता है। ये एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप और हम सब लोग अगर गांठ बांध लें तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता। तो जो न्यू कमर्स आते हैं, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तो पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने हर चैनल पे लीड रोल किया, ये किया। मैंने कहा सर देखो, जो पहले किया ना वो आप पीछे छोड़ दो, अब नया मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना, इसमें से कुछ हम नया करेंगे। तो या तो किसी भी एक्टर को वो बैगेज भी नहीं रखना चाहिए और उनको भी नहीं रखना चाहिए। मैं काफ़ी कुछ ऐसे भी कुछ एक्ट्रेस को देखता हूँ जो अभी नए नए आए हैं और एकदम से एक स्टारी या फिर एक एरी एटीट्यूड उनका हो जाता है, तो मैं उनको वही कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन थोड़े से शांत सहज रूप से आप अगर मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। शायद कुछ लोगों को कभी बुरा लगता होगा, जो लोग मानते हैं उसको फॉलो भी करते हैं, बाद में कहते हैं सर आपने सही कहा था, क्योंकि यहाँ टिकने के लिए ना ठहराव ज़रूरी है। आप यहीं नहीं ठहर पाओगे, जीवन में नहीं ठहर पाओगे, तो शांत रह के चीज़ें करें। बाकी तो मुकद्दर, मैंने कहा कि मुकद्दर बदले नहीं बदले, वक्त सबका बदलता है, और वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। तो जी बिल्कुल, अगर आपकी पसंद की बात करूँ तो आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, अभी भी आप कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे, तो ऐसी कौन सी किरदार है जो आप एकदम डेस्परेट करना चाहेंगे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट, जैसे उस चीज़ से देखिए अभी क्या है ना कि पहले जब नए नए आए थे ना मुंबई में, तब ये कहा करते थे अक्सर कि यार बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जो मिल जाए वो अच्छा है, कम से कम काम मिले, स्क्रीन पे तो देखूँ, कुछ तो कैमरे के सामने तो आऊँ। लेकिन अब धीरे धीरे ना आदमी की महत्वाकांक्षाएं वो, और वो भूख बढ़ने लगती है एज एन एक्टर, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या कुछ डिफरेंट करूँ कि लोग कहें कि यार इसने अपना लोहा मनवा दिया यार एक्टिंग में। तो मुझे लगता है कि मेरा शुरू से फेवरेट कैरेक्टर रहा है, एक पसंदीदा, कि मैं कभी जोकर का रोल प्ले करूँ। आप मानेंगे आज भी, मैं कुछ दिन पहले
तकरीबन मेरे ख्याल से पिछले महीने मैं सर्कस देखने गया, और ये नहीं था कि मुझे मेरे 3 साल के बेटे को सर्कस दिखाना है, उसके लिए वो पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं भी उतना ही उत्साहित था क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स वहाँ होते हैं, वो जो जोकर होते हैं, वो उनसे बड़ा कोई एंटरटेनर नहीं है। और उस किरदार को, मैं तो राज कपूर साहब का भी फ़ैन हूँ, चाहे वो जोकिन फिनिक्स ने किया हो, चाहे राज कपूर साहब ने किया हो, क्लाउन से मुझे एक अलग प्यार है। हाँ, जब लोग ये कहते हैं कि यार शक्ल से तो आप बहुत विलेनियस नहीं लगते हो, मैं उतना ही ग्रे शेड का कोई कैरेक्टर या फिर उतना ही एक विलेनियस रोल भी करना चाहता हूँ। टेलीविज़न पे किया है, लेकिन बड़े पर्दे पे करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा एक मौका होता है जहाँ पे एक एक्टर एक यू नो अपना पूरा एक ग्राफ, अपनी एक यू नो उसका किस आर्क तक, किस लेवल से लेके कहाँ तक वो एक्ट कर सकता है, क्या उसका ग्राफ है, वो वहाँ पे वो बता दिखा सकता है। तो ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरे पसंदीदा हैं और जिनको मैं कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। और मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि ऑडियंस को मेरे वो रोल पसंद आएंगे। बात करें भारत के इतिहास की, तो 22 जनवरी कौन नहीं जानता है अपने, मतलब अयोध्या में, बस आप डेट बोल दीजिए, हाथ जुड़ जाएंगे। हाँ, ये माहौल है। तो कितना प्राउड महसूस होता है, क्योंकि प्राउड महसूस इसलिए क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने इतने सारे जो संघर्ष किए ये दिन लाने के लिए, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उस चीज़ को ला रहे अपने, मतलब अपने देश में जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, कितना सौभाग्यशाली महसूस करते हैं अपने आप को क्योंकि हम ये युग में ये दिन देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि इतिहास के पन्नों में ये दिन लिखा जाएगा, देखा जाएगा। और जिस तरीके से रामनवमी सेलिब्रेट होती है ना, उस तरीके से ये 22 तारीख हर बार, हर साल, मैं कहता हूँ आने वाले सालों साल तक ये दिन इसी तरीके से हर बार सेलिब्रेट होगा। क्योंकि देश में इस वक्त जिस तरीके से एक धार्मिक तौर पे, एक आस्था के तौर पे, एक विश्वास के तौर पे, एक ये जो जागरूकता वापस से आई है, ये बड़ी कमाल है। और ये भी शायद कहते हैं ना, होई सोई जो राम रची राखा, तो ये भी शायद निश्चित होगा कि इस साल में, इस मंथ में ऐसा कुछ होगा कि सारी शक्तियाँ, आप देखिए ना, आप नीचे उतर के माहौल देखिए ज़रा, आप देखिए, आपको 15 अगस्त की तरह एक एक गाड़ी पे, साइकिल पे, रिक्शा पे, बस में, कार पे, सब जगह आपको आज झंडा लहरता हुआ दिखेगा, जय श्री राम का नारा लगता दिखेगा। तो अगर लोगों में इतनी आस्था है, इतनी एक श्री राम के प्रति इतना प्यार है, तो ये एक अपने आप में किसी एक महापर्व से कम नहीं है। और मैंने सुना है कि लोग तो अब ये नारे भी लगा रहे हैं कि राम जी दूर हुई अब सारी दूरी है, और अब आप आ गए हैं तो अयोध्या अब जाके पूरी है। तो ये जो एक माहौल है, जो भजन चल रहे हैं, जिस तरीके से रामलला के स्वागत की तैयारी हो रही है, ये चीज़ें अभूतपूर्व हैं। कभी भी हमारे देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक भगवान के लिए इस तरीके का एक इतना बड़ा समागम हुआ हो, इतना बड़ा कुछ हुआ हो। तो ये अपने आप में एक इतिहास में हमेशा याद रखने वाली बात होगी कि 22 जनवरी को श्री राम लला का फिर से एक आगमन हुआ था और अयोध्या क्या पूरा देश फिर से जगमगाया था। और ये एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस जीवन में ये चीज़ देख पा रहे हैं। जाते जाते अपने फैंस ऑडियंस को अनिरुद्ध जी क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं काफ़ी, और हम ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर पाते हैं जो हमारे उम्र से हम देखते आ रहे हैं, जिस तरीके का किरदार से लेके हर एक चीज़, तो क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, मैं यही कहूँगा, मेरे सभी जितने भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, या फिर जो लोग अभी इस वक्त मुझे इस इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, कि यार एक कलाकार ना बहुत मंसूबों के साथ इस शहर में आता है और उसके सपने पूरे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी नसीब की बात कही कि नसीब बदले ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है। तो वो वाली बात है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी कुछ एक अगला पड़ाव जो है, एक ये छोटी स्क्रीन से लेके बड़े पर्दे तक का है, उसके लिए आप लोग वैसे ही मुझे प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने मुझे जिस तरीके से अलग अलग चैनल पर जब जो कोई शोज़ आया, आपने उतना प्यार दिया, उतना प्यार आपने मेरी फिल्म देखकर मेरे काम को अगर सराहा, मुझे मेरी कमियां बताई, तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में और बेहतर काम कर पाऊंगा। मैंने
अभी तक इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट कभी कहीं किसी इंटरव्यू में कभी किसी के आगे नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि हाई टाइम है और सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखें अब आगे क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑडियंस के हाथ में हैं, आप लोगों के हाथ में हैं। कलाकार जो है ना वो कभी अर्श पे है और कभी फर्श पे है, वो सिर्फ ऑडियंस की वजह से है, बाकी सिर्फ पानी का बुलबुला है मुंबई शहर में। जब तक आप चल रहे हो, बन रहे हो, आप की वो चीज़ बनी हुई है, करके एकदम से ख़त्म हो गया चीज़, बात ख़त्म हो गई। तो वो जो गुब्बारा है, चाहे वो हमारी प्रसन्नता का हो, खुशी का हो, चाहे वो एक कलाकार के जीवन का हो, वो बना रहे, उसमें रंग दिखते हैं अलग अलग। जब पानी के बुलबुले बच्चे उड़ाते हैं ना, तो वो दिखते हैं, वो चलता रहे, और वो तभी दिखेगा जब आप लोग उनको प्यार दोगे, वो साथ दोगे। वरना बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छी फिल्में, बुरी फिल्में, हर तरीके की आती हैं, पिट जाती हैं, कई बहुत अच्छी चल जाती हैं, तो वो सब वहाँ नसीब। तो वो वक्त भी आप लोग बदल सकते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार दें, और मैं हमेशा से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जो तीन रंग हैं हमारे देश के, कि बहुत 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 ज़रूरी हैं हमारे लिए, यही एकता है, यही एकाग्रता है, यही प्रेम है, यही विश्वास है, ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। मैं चाहता हूँ कि इसको खास आप बनाएं। हर घर तिरंगा तो लहरता है, लेकिन उन चीज़ों को आप पूरे साल अपने दिल में रखें, देश के प्रति वो मान सम्मान, वो प्यार जो है उसको हमेशा बनाए रखें। आप सब लोगों से मैं यही एक अनुरोध करूँगा। और दूसरी बात, हमारे देश के आप सब लोग आने वाले दौर के हीरे हैं, आप लोग हीरो हैं। तो हमारे देश में जितने भी सैनिक हैं, जो लोग आप देखते हैं कि परेड करते हैं 26 जनवरी को लाल किले के आगे, उन सब लोग के सम्मान में आप लोग ज़रूर अपने सोशल नेटवर्किंग पे कुछ लिखें। आपको मालूम है कितने महीनों पहले से उन सब की तैयारी होती है, आपको पूरे देश की झांकी देखने को मिलती है, वहाँ पे इंडियन नेवी होता है, आर्मी होता है, एयरफोर्स होता है, मर्चेंट नेवी होता है। तो सब लोगों को, जो फोर्स वाले हमारे लोग हैं, संविधान में सभी लोगों का एक बराबर हक है, और ये सभी लोग एक साथ बढ़कर हमारे देश के लिए काम करते हैं, उन सबको हम लोग सलाम करेंगे। और आप सब लोगों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह हजाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष अकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यदा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस थमैया मानेकशॉ उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची। फिर भी लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बरी कर दिया।
1962 में भारत चीनी युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कौला ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। दो साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यद्दा जो अब एक जनरल है को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की, हालांकि यद्दा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम, जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पें हुई और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशॉ को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यद्दा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन
में कमांडेड है से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कौल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस तमैया मणिकाशा उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कौल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मणिकाशा के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची, फिर भी लेकिन मणिकाशा को उसके वरिष्ठों ने बड़ी कर दिया। 1962 में भारत चीनी युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कौला ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मणिकाशा को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मणिकाशा के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मणिकाशा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मणिकाशा को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मणिकाशा ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यद्दाद जो अब एक जनरल है को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मणिकाशा को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यद्दा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मणिकाशा ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पें हुई और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मणिकाशा को सेवानिवृत्त करीब आने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मणिकाशा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मणिकाशा को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मणिकाशा से उनके सहयोगी मेजर यद्दा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है।
अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मनेका शाह और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मनेका शाह, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस थमैया मनेका शाह उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मनेका शाह के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची फिर भी, लेकिन मनेका शाह को उसके वरिष्ठों ने बड़ी कर दिया। 1962 में भारत चीनी युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉलर ने इस्तीफा दे दिया जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मनेका शाह को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मनेका शाह के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मनेका शाह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मनेका शाह को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मनेका शाह ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यद्दाद, जो अब एक जनरल है, को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मनेका शाह को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यद्दाद ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम, जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मनेका शाह ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पें हुई और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मनेका शाह को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्भ से सेवानिवृत्त हो गए। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मनेका शाह भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मनेका शाह को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो
कार्रवाई में घायल हो गया लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मणिकाशा से उनके सहयोगी मेजर यदा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मणिकाशा और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मणिकाशा जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस तमैया मणिकाशा उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉलर ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मणिकाशा के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची फिर भी लेकिन मणिकाशा को उसके वरिष्ठों ने बड़ी कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉलर ने इस्तीफा दे दिया जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मणिकाशा को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मणिकाशा के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मणिकाशा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मणिकाशा को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मणिकाशा ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यदा जो अब एक जनरल है को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मणिकाशा को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यदा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यदा ने टिक्का को जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है लेकिन मणिकाशा ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पे हुए और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मणिकाशा को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए। नहीं नहीं यार अच्छी नहीं लगी। उसके बाद दोनों के कसरत बाद में रहना लगा। चलो आप तो बोलो ये रोलिंग चलो जी इट्स अ बिग डे टू हियर बाला साहब इज ओनली रिमेंबर्ड नॉट जस्ट इन मुंबई महाराष्ट्र बट ग्लोबली एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रिब्यूट व्हिच यू ऑल हैव पार्ट ऑफ टुडे व्हाट वुड यू लाइक टू से
I'm very happy to be here, to be part of this musical tribute. And I, as I said before, Bala Sahib, I had met him in the 90s, early 90s, 91, 92. There was a mayor's meet in the mayor's bungalow. And he had come and I was singing there. And he requested me, he asked me to sing this particular ghazal, which is one of my debut ones, Kaise Sukoon Paun. So I was surprised. I sang, and I was more surprised when he was sitting right in the front and he knew the lyrics. He was actually singing along with me. And he said, this is one of my... So I'm very happy to be here. And yes, he was a great personality, and I'm sure he's everyone in the world knows about him. Smita ji has done a wonderful job organizing this. And of course, my wife, she's helped. All the artists who have come today, just doing it out of sheer love, nothing else. Meena ji, would you like to join Tanaji and throw some light on this wonderful initiative that you've put up for Smita ji? Yeah. So I'm honored. It's an honor for me to put this musical concert together with such a great personality who we all admired. He's contributed so much to the history of India. And I've admired him, being an artist myself. I've admired him for the cartoon. He's been known as a cartoonist, an amazing person who made a difference to many lives and touched many souls. So, and he loved music. He's met my husband. And I'm very honored and proud to be part of this wonderful evening. Thank you to Smita ji. Veena, throw some light on the musical tribute which Roop ji has. She asked Roop, Roop Kumar Rathore, very talented singer and composer, and I know Dino for a long time. And he immediately had this song, special song written, and he composed it and sent it, and we are all going to sing it together today. So it's for the first time live. And I must say, he's done an amazing, within I think 2-3 days, he just composed this amazing composition. I'm grateful, thankful to him. I'm here live now with all the artists singing. So, yeah. Thank you. Thank you.
इवेंट्स हम तो ऑब्वियसली हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक ट्रेलर लॉन्च होता है, फिल्म लॉन्च होता है, तो हम तो कई चीज़ों में जाते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड होती है, ये वो वाली चीज़ें. तो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद स्मिता जी, और यहाँ पे जब पता चला कि ये हो रहा है बाला साहेब के इसमें मेमोरी में, तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू अवर हार्ट्स. वी ऑल नो दिस इज़ वेरी क्लोज टू अवर हार्ट्स, एंड आई थिंक सो एक मज़ा तो आएगा ही पूरे प्रोग्राम का, जितने लोग दिग्गज लोग जो आए हुए हैं. बट अदर देन दैट इट्स दैट कनेक्शन जो हमारे लीडर साहब जो हमारे थे उनके साथ जो कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं उनकी यादों में उनका प्यार, ये सब अपने को दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट. मैं जैसे हमारे गाने होते कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो बस वही बात है कि ये बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज है हमारे, एंड उसको याद करना बहुत ज़रूरी है. एक सड़क फिल्म का एक गाना था जो रहने को घर नहीं सोने को बिस्तर नहीं, उसमें एक अंतरा था जो मुझे आज वो याद आ रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन वो था कि लोग हमें क्यों याद करते हैं मरने के बाद. वो वाली जो बात है ना कि द मैन हैज़ डन सो मच फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ही इज़ डन इमेंस. एंड वही चीज़ आज हमको, हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को, हमारी आने वाली जनरेशन को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिग्गज लोगों ने क्या क्या किया है हमारे लिए, एंड दैट वन इज बाला साहेब ठाकरे. एंड आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, दिस एंड ऑल द बेस्ट. आई थिंक सो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होगा, एंड इतने दिग्गज लोग आए हैं, इतने दिग्गज सिंगर्स आए हुए हैं. सो मैंने आज रात तो बुक कर लिया अपने आप को, जस्ट एन्जॉय द शो. Thank you. Please come. Many congratulations for putting up such a wonderful show and keeping Bala Saheb's memory so much alive within us. Aaj ka din bahut khaas hai and you always make it special at the foundation. Tell us your thought jab aapne ye conceptualize kiya, aapne socha ki aisa musical grand tribute hona chahiye. Pehli baat to aapko sabko Ayodhya mein Ram आए हैं तो सबको बधाई देना चाहूँगी. जय सिया राम, जय श्री कृष्ण. साहब एक एहसास जो नाम ही हमने सोचा है, और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि साहब के मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं. बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है. हमारे लिए वो एक त्यौहार था, और आज 11 साल गुजर गए साहब हमारे बीच में, शरीर के रूप में नहीं है, पर हमारे अंदर उनका एहसास है, इसलिए हमने ये नाम भी चुना. बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को तिनका दिखाने जैसी बात होगी. साहब के बारे में सबको पता है, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं, और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा. आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है, माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी, क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर हो, और कारसेव में बहुत सारे उनके लोग थे, और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे. तो ये बहुत ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती ठोक बोल देते थे. हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर, और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है, उनके घर में हम रहे हैं, तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है, आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ, जिस भी
व्यक्तित्व से, वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप जी मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं, पॉलिटिशियन थे ही नहीं, उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है, पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है। और रही बात अगर म्यूज़िक की या किरदार की, एक्टिंग की, तो वो तो उनके खून में था। उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था, पर अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे और कलाकार है, क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं, वो कलाकार की समस्या जानते हैं, वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं और उनको मिलते थे। तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला, और वो भी उनकी कृपा से हुआ। हमने हसीना मान जाएगी जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं फिल्म, तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री आप तुम्हारे मीन्स तुम झेल पाओगी उसको, मीन्स वो जो भी कहानियाँ होती है फिल्म इंडस्ट्री की। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है जो जो कहाँ सुना होता है। हम तो तभी बहुत ही सिर्फ कहाँ कहीं सुनानी बातें सुनते थे, बट खैर जब ही जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उन्होंने कभी हमको रोका नहीं। और मुझे लगता है कि उन्होंने हर महिलाओं को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभाल रही है वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती है तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए। और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया, और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको इजीली मिले, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ अगर कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमने हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा, तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि उनके हमारे बच्चों को भी वो स्पॉइल ना करें, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों मंगाते थे, और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं, और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में वो सब लोग खड़े, तो जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस, तो वो कहीं कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था। और हमेशा मैं उनको कहती कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो क्यों, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियां हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं, और उनकी उनका उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था, या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी जिद थी या जो भी स्ट्रगल था वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। मैम लेफ्ट साइड थोड़ा सा आगे जी, मैम इधर।
मैम थोड़ा सा इधर सेंटर Well, it's a beautiful song which is composed by Arupji and Nitinji is today the music composer. He's orchestrating the entire band and they're legends with us. And it's an honor to share the stage with all these lovely singers. And it's a special tribute to Balasaheb. And we've read so much about him and heard so much about him. And he was a visionary and Smita ji is doing this tribute. Talat ji is also there. And it's an honor for me to be here and pay a special tribute to him through my music. सो दो लाइनें मेरे गाने की उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा ले बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार इस दहलीज पार करा ले मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो थैंक यू मैम इस तरफ मैम आई एम वेरी फॉर्चुनेट पहले तो बाला साहब का आज जन्मदिन है उसके लिए वो मैं अपनी शुभकामनाएं जहाँ भी हैं भेजती हूँ आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था उन्हीं के घर में गणेश चतुर्थी थी और हम सब गए थे मैं सुलक्षणा दीदी और मेरे पिताजी हमने वहाँ उनके साथ खाना खाया था एंड उनकी वाइफ और बाला साहब वाज सो नाइस इतना अच्छा लगा था आई वॉज क्वाइट यंग मगर मुझे सब याद है बाला साहब ने हमें बहुत प्यार दिया था और साथ में हमारे उन्होंने खाना हमने उनके साथ खाना खाया था मैं सोचती हूँ स्मिता जी ने बहुत अच्छा किया है और आज जो ये जन्मदिन पर भी उन्होंने हमें बुलाया आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्मिता जी एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट Well, it's an honor and it's an amazing initiative with Smita Aunty has in the arts and culture, especially with you know, I come here, I train here with Aishwarya, who's my brother, and I'm just really happy to be here in this part of happiness. I think it's an absolute honor to be here and never had the good fortune of meeting Sir personally, but I think there's no better way to celebrate as well than a beautiful musical evening. सबसे पहले मुझे बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि बाला साहेब की 98th बर्थ एनिवर्सरी है और स्मिता जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये काबिले तारीफ दो वजह से है इसलिए नहीं कि स्मिता जी उनके परिवार की हैं बल्कि स्मिता जी कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हैं जो आने वाले समय तक आने वाली पीढ़ियों को याद रहे सो आई वेरी स्ट्रांगली फील द इनिशिएटिव टेकन बाय स्मिता जी इज प्रेजवर्दी एंड इन ट्रू सेंस हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूँगा आप लोगों को बाला साहब के साथ मेरा भी संबंध बहुत अच्छा रहा बरसों से संबंध रहा आई मीन दिस फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर धीरज कुमार तो ठीक है लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाता था और बाला साहब ने मुझे कभी भी किसी बात के लिए निराश नहीं किया जब भी मैंने उनसे कहा मेरा ये अच्छा कार्य है एक अच्छा काम है तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर आगे बढ़कर
मुझे हेल्प करने की उन्होंने कोशिश की और काम को करवाया भी। तो लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। तो बाला साहब की जो याद है हम सबके दिलों में है, हम सबके दिलों में रहेगी, आने वाले समय तक रहेगी। मैं इतना कहूँगा कि लॉन्ग लिव बाला साहब ठाकरे, लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। थैंक यू। कतार में आखिरी इंसान जो खड़ा है उसके बारे में भी बात करें, इट वॉज वेरी नाइस। एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो से दैट आई मीन इट वॉज वेरी सैड द डे ही डाइड। आई नो इट्स हिज बर्थडे, का जन्मदिन है, हम आज मरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस इतना जनसमूह शायद शास्त्री जी के बाद उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में देखा गया था। इट वॉज ऑल बिकॉज जो प्यार उन्होंने लोगों से कमाया और जो लोगों की सेवा में या जो लोगों की भलाई के लिए जो बातें करते थे उसके वजह से। अयान, एंड विथ रिगार्ड्स टू मुक्ति फाउंडेशन, शी वॉन्ट्स यू टू स्टैंड। ये मेरा बेटा है अयान, ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी प्रवेश करेगी, गाना गाते हैं, लिखते हैं, मॉडलिंग करते हैं और अभी इनका एक गाना रिलीज हो रहा है 10th of February, he's releasing his first song. It's called Gumshuda and it will be out on all streaming platforms, wherever, YouTube, all over. It's written by I think it's written by Aishwarya and me, and we composed it together. We're one team. And, yeah. And sung by him. Sung by him. Aishwarya always tells me that Shivaji Park में जब सर जाते थे to talk to people, कोई नहीं खड़ा रहता था first few months, महीनों तक कोई आया नहीं। तो हम लोग जब भी अपना music बनाते हैं तो he tells me कि साहब का सोचो, he had nobody standing in front of him. तो वो 10 लोगों के लिए भी वेट मत करो, आप अपने से चालू करो, देखिए कितने लोग जुड़ गए उनसे। Yes, he was an inspiration. And with regards to Mukti Foundation, I want to say that मैंने अपना social work सबसे पहले AIDS awareness से शुरू किया था और उस वक्त स्मिता जी उनमें से थी जो आगे आकर AIDS के बच्चों के मतलब AIDS से पीड़ित बच्चों का या जो AIDS से पीड़ित जो लेडीज मतलब डॉक्टर और मर्द थे उनको सपोर्ट करती थी और उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन किया था जिसमें शाहरुख खान वाज सपोज टू डू दैट छैया छैया एक्ट। तो उस वक्त मैं डॉक्टर गिलारा सुनील दत्त साहब हमारे प्रेसिडेंट थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो मुझे कहा गया कि आप जाइए, आपको शाहरुख को जाके समझाना है एड्स की बीमारी क्या है, ये सेंसिटाइज करना है उनको। तो उस वक्त शाहरुख वाज गोइंग टू परफॉर्म एंड बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप को एड्स था जो पैदा हुए, तो वो भी एड्स के था। उस वक्त एड्स की बीमारी के लिए इलाज बहुत लंबा चौड़ा होता था, अब तो खैर बहुत ही सिंपल हो गया है और लोग बहुत साल जीते हैं HIV के साथ। तो उस वक्त फिर मैंने शाहरुख को समझा रही थी और वो इनका उन्होंने पूरा भव्य स्टेज बनाया था, बहुत बड़ा आयोजन किया था जस्ट सो दैट पीपल कैन नो कि एड्स के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, मतलब जो गलत फहमियाँ हैं जिसके जो डर फैलाया गया था और किस तरह से उसको लोगों को सेंसिटाइज करना था, इसलिए उन्होंने किया था। तो दिस इज़ वेयर आई सॉ फर्स्ट टाइम स्मिता जी एंड हर्स उनका उनकी जो समाज सेवा है और समाज के प्रति जो भावना है वो आई थिंक बाला साहब से उन्होंने सीखा है। थैंक यू। महाराज माँ तुलसी विहार विद्यापीठ वृंदावन, उनके शुभ हाथों से तथा जीतू जी के हाथों से और सम्माननीय उदय सामंत जी, विद्यमान उद्योग मंत्री धीरज कुमार जी और स्मिता जी, आप सभी से मैं गुजारिश करूँगा ये दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से विमोचन किया जाए।
आप सभी का धन्यवाद यहाँ आज इतनी खूबसूरत शाम में शामिल हुए हैं। मैं सबके बाद में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं परम पूज्य आदरणीय श्री 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 तुलसी जी महाराज जो हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं उनको गुजारिश करना चाहूँगी कि कुछ हमारे साथ में। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह हजाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष अकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यदा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस तमैया मानेकशॉ उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची फिर भी लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बड़ी कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉलर ने इस्तीफा दे दिया जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। दो साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यदा जो अब एक जनरल है को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यदा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यदा ने टिक्का को जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम
जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पे हुए और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशॉ को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो January 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यद्दा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस थमैया मानेकशॉ उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची, फिर भी लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बड़ी कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉला ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यद्दा, जो अब एक जनरल है, को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले
COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की, हालांकि यद्दा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पें हुए और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशॉ को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक है। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंदी टिक्का खान है। उस वर्ष एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात शिलोवोरे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वो कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रश से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी मेजर यद्दा खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की सुप्रभुता और संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच कलह पैदा होता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ और बीपी मेनन को कश्मीर भेजा। ये कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन में कमांडेंट है, से रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजो मोहन कॉल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। जनरल के एस थमैया मानेकशॉ उनके कार्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कॉल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ के आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची, फिर भी लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बरी कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कॉला ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें आईबी कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1966 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने लगी। यद्दा जो अब एक जनरल है को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि यद्दा ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में यद्दा ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया और एक विशाल बंगाली विरोधी कार्यक्रम जिसे वो निर्मम दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वो प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अहनियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पें हुई और जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तान सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ये निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि यद्दा ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशॉ को सेवानिवृत्त करवाने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए।